दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 20 हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट फोर्ब्स मैगजीन ने जारी कर दी है। सलमान खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने एक बार फिर कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। फोर्ब्स मैगजीन की इस लिस्ट में तीनों शामिल हैं। इस बार अमिताभ बच्चन इस लिस्ट से बाहर है। शाहरुख खान इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। उन्होंने इस साल 3.8 करोड़ डॉलर की कमाई की। भले ही सलमान खान की ट्यूबलाइट अच्छा कारोबार न कर पाई हो, लेकिन इस लिस्ट में वे 9वें नंबर पर हैं। उनकी कमाई पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल उन्होंने 2.85 करोड़ डॉलर कमाए थे, जबकि इस साल 3.07 करोड़ डॉलर कमाए हैं। इसका मतलब सलमान खान ने बिग बॉस से अच्छी कमाई की है। अक्षय कुमार इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। उन्होंने इस साल 3.55 करोड़ डॉलर की कमाई की है। पिछले साल उन्होंने 3.15 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। इस साल उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने सिर्फ 2 हफ्ते में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। वहीं आमिर खान दंगल से करोड़ों रुपए कमाई करने के बावजूद इस लिस्ट से बाहर है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में सबसे ऊपर हॉलीवुड स्टार मार्क वॉलबर्ग हैं। उन्होंने 6.08 करोड़ डॉलर की कमाई की। इस साल उनकी फिल्म डैडीज होम 2 ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट हिट रही। वहीं बेवॉच में प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए ड्वेन जॉनसन इस साल 2रे नंबर पर हैं। पिछले साल वे इस लिस्ट में टॉप पर थे। उन्होंने 6.05 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जबकि 3रे नंबर पर विन डीजल है। उन्होंने 5.45 करोड़ डॉलर की कमाई की है। साथ ही फोर्ब्स ने टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में इंडियन एक्ट्रेस का नाम शामिल नहीं है। पिछले साल लिस्ट में टॉप 10 पर रहने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म लाला लैंड की लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन ने फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में टॉप किया है। एमा ने पिछले 1 साल में 2.06 करोड़ डॉलर की कमाई की है।